मेरी जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं उन लोगों को तो पता ही है, आई रिसेंटली ट्रैवल्ड विथ पाब्लो फ्रॉम मुंबई टू गोवा. सो दिस इज पाब्लोज टेक्निकली फर्स्ट फ्लाइट. ओ माई गॉड, आई एम सो एक्साइटेड, सो नर्वस. ओ माई गॉड, आई एम सो नर्वस. तो ये इतने सारे क्वेश्चंस आए मेरे पास, तो मैंने सोचा इसका प्रॉपरली ब्लॉग बनाया जाए. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप अपना रिसर्च कर लीजिए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन. एयर इंडिया इज़ द ओनली फ्लाइट दैट अलाउज पेट इनसाइड द एयरक्राफ्ट. रेस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट दे अलाउ पेट इन द कार्गो, एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू पुट पाब्लो इन द कार्गो. पाब्लो का पेपर एकदम रेडी था, लिखा हुआ चुहा हुआ, वाइट ब्लैक ब्राउन, एज 2-3 months, पाब्लो, देबीना बॉनर्जी एंड गुरमीत, वैक्सीनेटेड एंड हेल्थी. सो पाब्लो इज फ्लाइंग. इफ योर पेट इज 5 kg अलोंग विथ द बैग दैट यू वॉन्ट टू कैरी योर पेट इन, ओनली देन योर पेट विल बी अलाउड इन साइड द केबिन. ओके, सो पाब्लो के लिए हम लोगों ने एक बैग लिया, वो लोग केज बोलते हैं, लिखा हुआ है ऑन द वेबसाइट केज, बट केज डज नॉट मीन केज केज केज. इट कैन बी अ बैग विथ विथ प्रॉपर चेन ऑन ऑल साइड्स, पेट कैरियर बैग होता है. सेकेंडली, यू विल बी गिवन सीट ऑन द लास्ट, सो ऑन द लास्ट सीट ऑफ द एयरक्राफ्ट. अभी यहाँ पे खड़े खड़े नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा आप आगे देख लीजिए फ्रॉम वॉट एग्जैक्टली हैपेंड विद द प्राइस, हाउ दे मेजर द वेट, एवरीथिंग आप चेक कर लीजिए. मैं आपको रियल टाइम दिखा देती हूँ. के लिए हमें पे करना पड़ रहा है अराउंड 3000 से थोड़ा सा ज़्यादा, मैं एग्जैक्ट अमाउंट दिखा दूँगी. पाब्लो से तो सस्ता पड़ा मम्मी पापा का टिकट बिकॉज ऑफ सीनियर सिटीजनशिप डिस्काउंट. पायलट से ओके आना पड़ता है टू टेक द पेट, कंफर्म टू पायलट बिकॉज़ यू नो फॉर एवरी पेट सो वी जस्ट आस्क द कैप्टन, सो इट विल बी ओके टू बोर्ड और समथिंग. इफ दे सेड इट विल ओके टू बोर्ड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट, वी आर चेकिंग दैट बैगेज एंड एवरीथिंग एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द गेट टू बोर्ड. ये थैंक यू, थैंक यू. एक फ्लाइट में एट अ टाइम इकोनॉमी में एक पेट अलाउड है एंड बिजनेस क्लास में एक पेट अलाउड है. तो इन द होल फ्लाइट इफ द फ्लाइट हैज अ बिजनेस क्लास, 2 pets are allowed. आपसे पहले कोई और पेट ने अगर चेक इन कर लिया तो आपको आपके पेट को चेक इन नहीं मिलेगा या अलाउंस नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आप टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच जाए. क्यों अभी मना भी होता है? Pilot never given the first okay because you know it's taking a lot of time at the time of end boarding will start, no, that time only is given a clearance. We are really lucky and a special thanks to the pilot that Pablo is given okay so early aur hum to bahut jaldi airport aa gaye hain. Even if your pet is as tiny as Pablo, you must get a muzzle because flight में चढ़ने से पहले pilot पूछते हैं कि muzzle है कि नहीं. हमारे पास muzzle था और थोड़े थोड़े जगह पे Pablo को हम लोगों ने muzzle पहनाया भी था. So we have to fill this declaration form. Last seat 30B. Finally यहाँ तक का सफ़र अभी हो गया. पाब्लो अंदर तक तो आ गया, अभी फ्लाइट में कैसे जाएगा उसको उसकी बैग में डालते ही पाब्लो को बहुत बात करने को मन कर रहा है. आई जस्ट होप दैट एवरीबडी लव्स हिम द वे आई लव हिम, कोई दिक्कत ना आए. चले, फ्लाइट डिलेड है 10 मिनट, हम बैठेंगे. पाब्लो को मैंने बैग से निकाल दिया बाहर बिकॉज बैग के अंदर अभी पूरे टाइम रहेगा ना फ्लाइट में, तो मैं नहीं चाहती कि उसको कोई डिस्कम्फर्ट हो. पाब्लो विल ड्रिंक वाटर. अगर उसने फ्लाइट में सुसु कर दिया तो उसके अंदर सुसु एब्जॉर्बिंग मैट रखा हुआ है, सो जस्ट इन केस उसको सुसु लगे तो वी आर सॉर्टेड. चिलिंग सीन्स विद पाब्लो, सिटिंग सीन्स. आई गॉट अ पिंपल. Don't worry, I'm not gonna suggest you anything in this video today. क्योंकि मैं बहुत खुद ही टेंशन में हूँ, मैं उसमें अभी स्किन केयर के बारे में नहीं बात कर सकती. जो भी होगा सोल्यूशन ऑलरेडी लगा कर आई हूँ बाद में.
बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा कि इंडिया में आना या इंडिया से बाहर जाने पेट के साथ का क्या नियम है. मुझे बिल्कुल भी नहीं पता बिकॉज यू नो रूल्स रोज चेंज होते हैं. एंड फॉर योर ओन फरी बेबीज आई वुड सजेस्ट कि इंडिया के बाहर जाना या इंडिया में आने का आप खुद रिसर्च कर लीजिए. मेरे हिसाब से आप डायरेक्टली एयर इंडिया में फ़ोन करेंगे तो वो लोग बहुत अच्छे से जवाब देते. नीचे मैं नंबर दे दूंगी, आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं. सेकेंडली जो मुझे दिक्कत आई वो मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज पाब्लो इज़ नॉट यूज टू सिटिंग इनसाइड अ बैग. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग आप एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता अपने पेट को उस बैग में सुलाने की या बैग में रहने की ट्रेनिंग दीजिए. नहीं तो वन फाइन डे दे विल नॉट वॉन्ट टू सिट इनसाइड द बैग. पाब्लो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. पाब्लो सडनली मतलब फ्लाइट में घुसते टाइम अचानक खच 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 बैग से निकलने का वो इशारा कर रहा था जिससे मुझे बहुत डर लगा. इनफैक्ट फ्लाइट में बैठ के भी बैग के अंदर से वो ऐसा कुछ कर रहा था. तो अल्टीमेटली आई हैड टू कीप द चेन ऑफ द बैग ओपन ऊपर से और वहाँ से मैं हाथ अंदर करके पाब्लो को नॉन स्टॉप ऐसे स्क्रैचिंग कर रही थी ताकि उसको समझ में आए कि मैं साथ में हूँ एंड इट इज़ नॉट वेरी डेंजरस. बट मैंने एक वीडियो में देखा था जहाँ पे बोला कि पेट को सेडेटिव दिया था बिफोर फ्लाइंग. आई डिड नॉट डू इट. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. वैसे पाब्लो शांत है. ओनली विथ डॉक्टर्स एडवाइस शुड यू गिव सेडेटिव. आई वुड नॉट रिकमेंड बट योर पेट यू नो बेस्ट सो यू कैन टेक द कॉल. गुड बॉय. पाब्लो वाज द बेस्ट बॉय. ही स्लेप्ट थ्रू आउट. अभी लैंड होने के बाद ही हैज वोकन अप. So I think I have nearly answered all the questions about traveling with your pet, the do's and don'ts and everything. Okay, so आप अपने पेट के साथ अगर रेगुलरली ट्रैवल करते हैं, गाड़ी में रेगुलरली निकलते हैं तो आपके पेट बिल्कुल डरेगा नहीं. या दैट्स इट. आपके पास कितने हैंड बैगेज है दैट इज नॉट अंडर कंसिडरेशन. योर पेट अलॉन्ग विद द बैग विल बी कंसिडर्ड अ सेपरेट हैंड बैगेज और उसका जितना वेट है उसके अनुसार ही आपको चार्ज किया जाएगा. एंड विश यू अ हैप्पी जर्नी विथ योर फरी बेबी. So if you enjoyed watching this video, don't forget to like, share and subscribe to the Bina Decodes. Babu, idhar dekho. Meow meow. Main ja rahi. It's going to be out of the flight. Guru, Guru. Welcome to Go Happy Doo.